नमस्ते, मेरा नाम यमुना नेगी है। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो प्लास्टिक के डिमेरिट्स आपको बताऊँगी और कैसे प्लास्टिक बैन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सब देखते हो कि प्लास्टिक जो है कई कंट्रीज़ में बैन हो चुका है। तो सबसे पहली जो कंट्री थी जिसने बैन किया वो थी बांग्लादेश। उसी तरह हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें भी जिसने सबसे पहले बैन किया वो था हिमाचल प्रदेश। आप सबको पता है कि प्लास्टिक के कितने सारे नुकसान हैं। प्लास्टिक जो हम यूज़ कर रहे हैं इतना सारा, हमारी प्लेट्स आजकल प्लास्टिक की है, जो कटलरी का सामान है वो प्लास्टिक का है, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स प्लास्टिक के है, वाटर बॉटल प्लास्टिक की है, जो हमारे फ्रिज के अंदर हम बर्तन रखते हैं चाहे उसमें आटा रखते हो सब्जी रखते हो, सब प्लास्टिक है। बच्चों के खिलौनों में प्लास्टिक है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। तो जो प्लास्टिक होता है एक तो होता है अच्छा प्लास्टिक। अच्छा प्लास्टिक मीन्स जो हम इतनी जल्दी फेंकते नहीं है, इसको हम रीयूज़ करते हैं, और एक होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान है। आप सबको पता है कि मोदी जी ने 26 जनवरी को भी प्लास्टिक बैन करने की, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन करने की मुहिम छेड़ी थी। तो इसी चीज़ को हम भी आगे ले जा रहे हैं, स्काउट एंड गाइड जो भारत स्काउट एंड गाइड है, हम भी चाहते हैं कि हम ये सब तक मैसेज पहुंचाएं कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो तो बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के बहुत सारे नुकसान हैं। तो मैं आपको कुछ नुकसान अब बताने वाली हूँ। देखिए, प्लास्टिक एक बून भी है और एक कर्स भी है। बून मतलब वरदान भी है, क्योंकि बहुत टिकाऊ है। कोई भी चीज़ जो है बहुत लंबे समय तक इसमें टिकती है, जैसे चेयर हैं, टेबल्स हैं, प्लास्टिक के बहुत लंबे चलते हैं ये। बट एक कर्स हमने खुद बनाई है। जब इसका कह लो इन्वेंशन हुआ था तो इस समय वो एक बहुत अच्छी चीज़ के लिए यूज़ की गई थी, पर धीरे धीरे इंसानों ने इसका यूज़ बहुत ज़्यादा कर दिया और उसके बाद इसको फेंकना इधर उधर शुरू कर दिया। आप देख सकते हो कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं बहुत सारे जो हैं मर जाते हैं इन्हीं प्लास्टिक की वजह से। जब ये प्लास्टिक हम ओशंस में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, लोग जूह बीच के किनारे घूमने जाते हैं बॉम्बे में और सारा प्लास्टिक इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा लेयर जो है अंदर दब जाती है रेत के अंदर, और वो धीरे धीरे जो है समुद्र में भी उड़ के जाती है। अब जब वो वहाँ जाएगी तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके गले में फंस जाएगी। पीछे एक न्यूज़ आई थी कि एक बहुत बड़ी व्हेल फिश है उसके अंदर से बहुत सारा टन प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक का मटेरियल, पॉलीथिन्स निकले। उसी तरह से कई जैसे फ्लैमिंगो हैं, डक्स हैं, इनकी चोंच में भी कई बार प्लास्टिक फंस जाता है, निकलता नहीं, सांस लेने में मुश्किल आती है। और जो गाय भैंस होते हैं कई बार क्या करते हैं अपना डस्टबिन में प्लास्टिक में रैप करके कूड़ा डाल देते हैं और वो कूड़े वाले भैया इधर उधर फेंक देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो गाय जो होती है या जो एनिमल जो जैसे भूख लगी होती है वो उस खाने के चक्कर में प्लास्टिक भी साथ में खा जाता है, और उसकी वजह से उनके जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में प्लास्टिक फंस जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, जो हमारे दूसरे एनिमल्स हैं गाय वगैरह भैंस, जो आवारा पशु होते हैं जो हमारे डस्टबिन में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, इनके फंसने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। फिर इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वाटर लॉगिंग की। हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के पॉलीथिन इधर उधर फेंक देते हैं और ये जो उड़कर हवा से इधर उधर फेंक कर ये गटर में चले जाते हैं, और गटर में चले जाने के बाद क्या होता है, जब बारिश होती है बरसातों में वो जो पानी होता है जो गटर के अंदर जाता है वो अंदर ना जाकर उस पानी के ऊपर प्लास्टिक की लेयर चढ़ जाती है, और वो जो प्लास्टिक होता है वो फिर उसको पानी को एब्जॉर्ब करने नहीं देता ज़मीन के अंदर, और वो सारा पानी जो है फिर गटर से ऊपर ही तैर रहा होता है, और उसकी वजह से ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग की वजह से फिर फ्लड आ जाता है, जबकि पहले इतने फ्लड नहीं आते थे। तो उसकी एक वजह प्लास्टिक भी, क्योंकि गटर में प्लास्टिक फंस जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि चाइना जो है, चाइना सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करता है। मिसमैनेजमेंट उनके देश में बहुत ज़्यादा होती है, हार्मफुल इफेक्ट जो है इसके ऊपर हम सब पर पड़ते हैं। डिस्कवर सॉल्यूशन, अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। आप सबको पता है न्यूज़ में आता है कि बांस की बॉटल्स बनने लग गई हैं, मार्केट में आएगी जाके इसमें सब लोग अपना पानी स्टोर करके पी सके। उससे पहले स्टील की बॉटल भी आने लग गई थी, उससे पहले आपको पता है तांबे की बॉटल भी आने लग गई थी। बहुत टाइप की बॉटल्स, बहुत टाइप का मटेरियल जो है मार्केट में आ चुका है प्लास्टिक को हटाने के लिए। उसी तरह से आप देखते हो कि शादियों में जब फंक्शंस में जाते थे तो लोग थर्माकोल के प्लेट्स, डिस्पोजल प्लेट्स हम यूज़ करते थे, थर्माकोल के स्पून आते हैं, प्लास्टिक के स्पून, फॉक आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब का यूज़ नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है। कैंसर जैसी बीमारियाँ होती हैं, हमें हमेशा नेचुरल चीज़ें ढूंढनी चाहिए, जैसे कि केले के पत्तों के ऊपर खाना खाना चाहिए। महिंद्रा जो है ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक है उन्होंने अपनी कैंटीन में केले के पत्ते लगाए हैं कैंटीन में, ताकि उस पर लोग खाना खा सके। उसी तरह से हमें तेंदू के पत्ते या पीपल के पत्ते इन सब का यूज़ करना चाहिए कटोरी प्लेट चम्मच में बनाने में। तो इस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को भी साफ रखेंगे, और एनवायरनमेंट को साफ रखने के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, और आने वाले फ्यूचर में अपनी जनरेशन की हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। आप सबको इस पर कमेंट करना है।
तो आप अब मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा नीचे कि आपको जो मैंने बताई ये बातें कैसी लगी और आप उसके बारे में क्या सोचते हो। तो मैं अपना क्लोज़ करने से पहले आपको कुछ बता दूँ, कुछ और चीज़ें जो रह गई हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे स्कूल में ई डस्टबिन हमने बनाया है, मतलब हमें मिला हुआ है म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन की तरफ से। हम उसमें अपनी सीडी, पेन ड्राइव, जो भी होता है हमारे स्कूल का ई वेस्ट, हम उसमें डाल देते हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में भी पीछे न्यूज़ में आ रहा था कि वहाँ पर भी रिसाइकल मशीनें लगाई गई हैं बॉटल्स की। तो जो बॉटल्स फेंकता है उसमें, उसका रिसाइकल करने से पहले उसको एंट्री टिकट मिलती है, क्योंकि अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो आपको एंट्री टिकट मिलेगी प्लेटफॉर्म पे जाने की। और उसके अलावा आपको, आप देखते हो कि कई तरह के फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती रहती है। एक स्कूल है नॉर्थ ईस्ट में, उस स्कूल को जो चलाते हैं उन्होंने तो ये फैसिलिटी दी कि जो प्लास्टिक हमें देगा एज अ फीस, यानी फीस के रूप में वो प्लास्टिक लेते हैं, बच्चों से फीस नहीं लेते। जितनी ज़्यादा बच्चे बॉटल्स लाते हैं उनकी फ़ीस में, उतनी अच्छी उनको फीस जो है, मतलब फीस लेते ही नहीं है। वो साफ कह देते कि हमें बस प्लास्टिक ला के दो। वो दो हस्बैंड वाइफ है जो स्कूल चला रहे हैं। हमें हमेशा ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा जो है इन्वायरमेंट साफ हो। और आप देखते हो कि कई लोग जो है प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं और उन्हें पसंद होता है प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करना, बट ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें ज़रूर 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 अपने घर में कम से कम चीज़ों का यूज़ करना है प्लास्टिक का। और हो सके तो आप प्लास्टिक के लिए दूसरे जो ऑप्शंस हैं आप उनको लीजिए, जैसे कि जूट का बैग, पुराने कपड़ों का बैग, पेपर बैग। आप देखो मार्केट में भी आजकल जो है पेपर बैग्स आ गए हैं। तो जब आप मार्केट में जाते हो या सब्जी वाले भैया के पास जाते हो, स्पेशली सब्जी वाले जो होते हैं वो हमें हमेशा पॉलीथीन बैग दे देते हैं। तो आप उन्हें खुद बोलो, इंसिस्ट करो कि प्लीज़ हमें बैग मत दो, या आप अपने साथ बैग लेके जाओ। जैसे मैं जब सब्जी लेने जाती हूँ स्कूल से आते समय, तो मैं हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा बैग रखती हूँ अपने स्कूटर में, और जब जाती हूँ तो उस एक्स्ट्रा बैग को निकाल लेती हूँ। वो जूट का ही होता है, पुराना बैग मेरे स्कूल का ही, जिसमें मैं अपना खाने पीने का सामान ले जाती हूँ। उसी बैग को यूज़ करती हूँ सब्जियों के लिए, तो उसमें सब्जियाँ लेकर आती हूँ, फ्रूट्स खरीदती हूँ। और इस तरह से आपको भी इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू।